मेरा नाम है सुखराज। आज इस वीडियो में मैं ऑक्सीलाइफ नेचुरल रेडियंस 5 क्रीम ब्लीच का जो है वो रिव्यू करने वाली हूँ। ये जो ब्लीच है इसको हर स्किन टाइप एंड स्किन टोन के लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं इस ब्लीच के रिगार्डिंग आपको 4 बातें बताऊंगी। पहली ये कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, दूसरा ये कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तीसरा इसको किस तरह से आपको यूज करना है, एंड चौथा इस ब्लीच के रिगार्डिंग बाकी जनरल डिटेल्स। तो चलिए वीडियो जो है उसको शुरू करते हैं। पैकेजिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं इस तरह के ब्लू कलर के ये बॉक्स में आता है। ये जो ब्लीच है इसको आप 3 टाइम ना यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मिलती है 4 चीजें, मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहली जो चीज है वो है ये ब्लीच क्रीम, दूसरी चीज जो इसमें मिलती है वो है ये एक्टिवेटर, तीसरी चीज जो इसमें मिलती है वो है ये पोस्ट ब्लीच सीरम। जैसा कि मैंने बताया ये 3 टाइम यूज के लिए है, तो इसमें 3 जो है वो पोस्ट ब्लीच सीरम है। चौथी चीज जो इसमें मिलती है वो है ये लीफलेट। ये जो लीफलेट है इसमें आपको इस ब्लीच के बारे में पूरी जो है वो डिटेल प्रोवाइड की गई है। ये जो ब्लीच है इसको मैंने पर्सनली ना यूज किया हुआ है, एंड इसका रिजल्ट ना गाइस काफी अच्छा है। इस ब्लीच में ना लिखा भी हुआ है मोस्ट रिकमेंडेड बाय सैलो एक्सपर्ट्स। इस ब्लीच का बेनिफिट ये है कि इसमें ना एमोनिया नहीं है। ये जो ब्लीच है आपकी 5 स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, डल स्किन, डेड स्किन सेल्स एंड सन टैन जो होता है उससे फाइट करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये ब्लीच ना फेस को बहुत ज्यादा रेडिएंट एंड ग्लोइंग बनाती है। इसको यूज करने के बाद ना आपके जो फेशियल हेयर्स होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे से जो है वो ब्लीच हो जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो आप ना अपनी स्क्रीन में चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं। ये जो ब्लीच है 1.5 साल माने 1.5 ईयर्स की यूज बिफोर डेट के साथ में आती है। फ्रेग्रेंस की अगर बात करूं तो ओके टाइप की फ्रेग्रेंस है। प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये जो बॉक्स मेरे हाथ में है ये 27 ग्राम का जो है एक बॉक्स है जिसकी कॉस्ट 82 रुपीज है। जैसा कि मैंने बताया ही है ये जो है बॉक्स है इसको आप 3 टाइम्स जो है वो यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस ब्लीच को ना फर्स्ट टाइम यूज कर रही हैं तो प्लीज मेक श्योर करें कि एक पैच टेस्ट जो है उसे जरूर करके देखें। अब बात करते हैं कि इस ब्लीच क्रीम को आपको किस तरह से जो है वो यूज करना है। तो जैसा कि मैंने बताया ये एक 3 टाइम यूज की जो है वो ब्लीच है, तो आपको करना ये है कि आपको लेनी है ये ब्लीच क्रीम और दूसरी चीज आपको लेनी है ये एक्टिवेटर। अब आपको ना इसको रफली 3 भागों में जो है वो डिवाइड कर लेना है। आपको लेना है एक प्लास्टिक का कंटेनर, उसमें एक हिस्सा जो है इस ब्लीच क्रीम का डालेंगे, एक हिस्सा जो है इस एक्टिवेटर का डालेंगे। उसके बाद में आपको करना ये है कि वो जो ब्लीच क्रीम एंड एक्टिवेटर है उसको आपको 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो अच्छे से मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाए तब आपको इसको फेस पे लगाना है। फेस पे लगाने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपना फेस जो है उसको किसी सोप या फेस वॉश से जो है उसे क्लीन कर लें, उसके बाद में ये जो ब्लीच है ना इसको अपने फेस पे लगाएं। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसको कितनी देर के लिए लगाना है। तो ये ना डिपेंड करेगा आपके स्किन टोन पे। अगर आपका स्किन का कलर जो है वो डार्क है तो आपको इस ब्लीच को ना मैक्सिमम जो है वो 10 मिनट तक रखना है, 10 मिनट से ज्यादा जो है इसे नहीं रखना है। अगर आपका स्किन कलर जो है वो व्हीटिश या सांवला है तो आपको ये जो ब्लीच है इसको 10 से 15 मिनट तक जो है वो रखना है, 15 मिनट से ज्यादा इसे नहीं रखना है। अगर आपका स्किन का कलर जो है वो गोरा है या फेयर है तो आपको ये जो ब्लीच है ना इसको कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट तक जो है अपने चेहरे पे लगा के रखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको करना ये है कि अपने फेस को जो है आप नॉर्मल पानी से जो है वो अच्छे से वॉश कर लें, एंड उसके बाद में आपको लगाना है पोस्ट ब्लीच सीरम, एंड 5 घंटे तक जो है आपको अपने चेहरे पे साबुन या फेस वॉश जो है उसका यूज नहीं करना है। अब मैं
बताने वाली हूँ इस ब्लीच के दो साइड इफेक्ट्स। पहला ये है कि इवन दो इसमें अमोनिया नहीं है, लेकिन जब आप इसको अपने फेस पे लगाएंगे तो आपको ना थोड़ी जो है वो इरिटेशन होने वाली है। दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि अगर एक्ने, पिंपल या स्किन इन्फ्लेमेशन में ये ब्लीच जो है अगर आप यूज करते हैं तो आपको स्किन में ना काफी रेडनेस हो जाएगी। मेरे केस में ये जो रेडनेस है वो चली जाती है, लेकिन यहां मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके पिंपल, एक्ने या स्किन इन्फ्लेमेशन है तो उस जगह पे आप इस ब्लीच को यूज मत करें। ये जो ब्लीच है ना काफी अच्छी है, मैं इसे जरूर रेकमेंड करूंगी। गाइज अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, बेल आइकन जो है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।